got you and your vibes in my mind. I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping you and I. When you're here, you spark chemicals. बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं, तो उन सब के पहले अपने आप को प्रिपेयर करना भी ज़रूरी होता है। आज मैंने सोचा था कि आज मॉर्निंग से ही मैं थोड़ा सा अपने फेस का है ना जो रूटीन, जो फेस रूटीन होता है ना, स्किन केयर रूटीन, उसको फॉलो करने वाली हूँ। तो सिंपल सा मैं जीवाश का यहाँ पर स्क्रब कर रही हूँ, क्योंकि जो स्किन है ना वो सर्दियों में काफ़ी डेड हो जाती है। धूप में मैं बैठ जाती हूँ और बिल्कुल भी फिर ख्याल नहीं रहता है कि धूप सीधी जो सनलाइट है ना वो फेस पर पड़ रही है। तो उसके लिए थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक स्क्रब लिया है, उससे थोड़ा सा स्क्रब कर दिया है फेस को। उसके बाद मैंने सिंपल सी स्क्रीन फ्रूट क्रीम ली है। बहुत बड़ा सा फेशियल किट मैं अपने पास नहीं रखती हूँ, छोटे छोटे से प्रोडक्ट हैं जो हमेशा ही रहते हैं। जैसे क्रीम के बाद मैंने यहाँ पे एलोवेरा ले लिया है, बस जल्दी जल्दी से इनको वॉश करके और अच्छे से दो दो तीन तीन मिनट में तक अपने फेस पर अच्छे से मतलब मसाज करके और इन सबको कंप्लीट किया। एंड लास्ट में मैंने यहाँ पर मामा अर्थ का लिया हुआ है जो फेस पैक उपटन वाला, काफ़ी अच्छा है। मैंने सारा डब्बा ख़त्म कर दिया है, हर हफ्ते में एक दो बार तो यूज़ कर ही लेती हूँ। वैसे मैं हाथ के बने हुए करती हूँ होममेड फेशियल फेस पैक, बट कभी कभी ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगता है तो मैं यूँ कर लेती हूँ। बस इसके बाद जब तक ये मेरे फेस पर है, किचन का मैं काम छोड़ के ये सब किया है क्योंकि मुझे पता है इसको ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा जब तक मैं किचन को क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा टाइम सेव होता है क्योंकि जो फेस पर है ना बाद में करूँगी तो लगा के रखी रहूँगी, कुछ काम नहीं करूँगी, बैठ जाऊँगी। इससे अच्छा है कि पहले कर लो थोड़ा सा काम अपना बीच में छोड़ के, और ये करके जब तक ये 15 मिनट सूखेगा, जब तक किचन में जो भी मेरा एक्स्ट्रा काम पड़ा है, बर्तन वगैरह धुलने थे क्योंकि दोनों चले गए हैं स्कूल ऑफिस, उसके बाद मैं ये सारे काम करती हूँ। देन अब लग जाती हूँ अपनी जो है ना काम में, जो मैंने लिख रखे थे आज मुझे करने ही करने हैं। थोड़े से आइडियाज़ हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए। तो अपने आप को यहाँ पर मैंने फेस पैक वगैरह धुल दिया है, नहाकर आ गई हूँ और थोड़ा सा अपने तैयार होके अपना बियर कपड़े वही करती हूँ जो मुझे बाहर जाने के लिए भी कंफर्टेबल हो। दित्या को स्कूल लेने जाना होता है तो मैं नहाने के बाद सिंपल से ही कपड़े पहन लेती हूँ, नाइट वेयर नहीं पहनती हूँ कि नॉर्मली से ऐसे ही कपड़े डाल लूँ जो उसको पहन के बाहर ना जा सकूँ, क्योंकि फिर वो चेंज करने पड़ते हैं। तो उससे अच्छा है कि एक बार मैं ही ऐसे कपड़े पहनूँ जो आपके घर पर और बाहर दोनों के लिए हो जाएँ। मुझे करनी थी यहाँ पर कुछ ड्रेसेस ऑर्गेनाइज़, तो मैं ड्रेस को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरह का पैटर्न फॉलो करती हूँ। फोल्ड करके मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। जो लॉन्ग ड्रेसेस होती हैं और सिलवटें जिसमें जल्दी आ जाती हैं, पहनने के टाइम पे फिर बुरश से प्रेस करना पड़ता है, तो मैंने सिंपल सा हैंगर पर और गेट के पीछे इसको लटका के रखती हूँ। जितनी भी लॉन्ग ड्रेसेस हैं ऐसे ही मैं रख देती हूँ ताकि बार बार इसको फोल्ड ना करना पड़े और ये ख़राब भी ना हो। उसके बाद जो लंबे स्वेटर आजकल क्या हम लोग पहनते हैं, सर्दियाँ काफ़ी हैं तो सारे ही स्वेटर मैंने निकाल रखे हैं क्योंकि डेली कुछ ना कुछ चेंज करके पहनना होता है। तो इस तरह के लॉन्ग स्वेटर भी मैं इसी तरह हैंगर पे हैंग करके रख देती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा स्पेस लेके इसको फोल्ड करके ना रखना पड़े, क्योंकि बार बार फिर निकालना होता है, रखना होता है। तो एक ही जो गेट के पीछे हैंगर लगे होते हैं ना, एक ही में दो तीन चीज़ें मेरी हैंग हो जाती हैं ईजली, तो स्पेस यहाँ पर मेरा काफ़ी सेव होता है, टाइम भी काफ़ी बच जाता है। सेकेंड, हमें ना अपने दुपट्टे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि फिर भी या तो फिर इस तरह का ऑर्गेनाइज़र लो जो थोड़ा सा कॉस्टली आता है ऑनलाइन, या फिर मेरे ख्याल से तो इस तरह का आप बना सकते हैं हैंगर पे इस तरह के बैंगल्स जो प्लास्टिक के बैंगल्स होते हैं ना, चूड़े के साथ आते हैं, उनको इस तरह से डोरी से बांध लीजिए, किसी भी अच्छी सी डोरी से, थोड़ी मजबूत हो,
और जितनी भी चूड़ियाँ आप बांधना चाहें इस तरह से बांध लीजिए, अच्छे से सिक्योर हो जाती हैं, गिरने का भी डर नहीं रहता है। उसके बाद आप इसके नीचे भी बांध सकते हैं, यानी जो चूड़ियाँ हैं ना और भी इस तरह से लगा सकते हैं, जितने आपके पास दुपट्टे चुन्नी हो उस अकॉर्डिंग। Got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. तो ये झटपट बनने वाला एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है और इसमें मैं सारे अपने दुपट्टे ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। बहुत अच्छा है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप दुपट्टे चुन्नी ऑर्गेनाइज़ करने से परेशान है ना, तो ये वाला पैटर्न फॉलो करके, DIY फॉलो करके आप बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। हमारे पास ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत होती हैं जिनको हम ऐसे संभाल के रखेंगे तो कभी ना कभी उनका यूज़ हो ही जाता है। जो हमारे नए कपड़े आते हैं उनके साथ इस तरह टैक्स में लगी होती हैं इस तरह की डोरियां जो अच्छे लॉक हो जाती हैं, और इस तरह की कोई भी हैंग करनी हो चीज़ें उनमें ज़्यादा यूज़ आती हैं, जैसे झाड़ू हुए, डस्टर हुए, डस्टबिन के, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमें हैंग करके रखनी होती है बहुत मजबूती से बन जाती हैं। और अगर आप धागे वगैरह बांध रहे हो उसकी जगह पे आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी। फ़िलहाल अभी मैं ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी वीडियो नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि यहाँ से मुझे शिफ्ट करना है दूसरी जगह, तो सारी चीज़ें अब मुझे पैक करनी है, तो धीरे धीरे करके मैंने स्टार्ट कर दिया है पैकिंग। तो इस तरह के कार्डबोर्ड्स रखे थे जिसमें मैं सामान रखती हूँ, तो उनको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, यानी कि जितने भी वेस्ट प्लास्टिक मैं इकट्ठा करती जा रही थी उनको हटा दिया है बहुत सारी चीज़ों को, और जो कार्डबोर्ड में मैं डिब्बे रखती थी ना उनमें सेम फिर से बहुत सारा सामान मैंने पैक कर दिया है जो फेंकने वाला नहीं है और यूज़ हो जाएगा। मैं वेस्ट सामान भी रखती जाती हूँ, तो जो अब मुझे यूज़ नहीं आएगा वेस्ट सामान भी उनको मैंने हटाया है। कुछ प्लास्टिक के आइटम अभी भी मैंने रख लिए हैं कि कुछ ना कुछ मैं दूसरे घर में जाके उनका यूज़ कर लूँगी। जो कपड़े मैंने टी शर्ट वगैरह कार्डबोर्ड को पहना रखी थी उनके अंदर से कार्डबोर्ड निकाल कर और इस तरह से पैक कर दिया है, तो ये खुलेंगे भी नहीं, वापस से जाके इनको फिर से मैं एक ऑर्गेनाइज़र बना लूँगी। और जो ये बेस्ट छोटे मोटे डिब्बे थे इनको मैं यहाँ से डिस्कार्ड कर रही हूँ, तो जितना भी आपके घर में एक्स्ट्रा सामान है ना अगर टाइम से डीक्लटर करेंगे तो देखेंगे कि कितना सारा सामान आपके घर से निकलता है जो हम लोग जो इकट्ठा करते जाते हैं। इस तरह के बड़े बॉक्सेस में रख रही हूँ क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा सामान ऑर्गेनाइज हो जाता है, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र जैसे होते ना उनको तो मैं रख रही हूँ। इन और जो एक्स्ट्रा फालतू का सामान थी उनको मैं अब कचड़े में फेंकूँगी। सेम यहाँ पर मैंने कुछ क्लॉथ्स भी डिस्कार्ड किए हैं, कुछ फेंक दिए हैं, कुछ डोनेट कर दिए हैं, कुछ मुझे लग रहा था कि अब ये यूज़ मैं कहीं ना कहीं करूँगी इनको, मतलब पहनने में तो नहीं बट कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाने में या फिर किसी और जगह, तो उनको मैंने इस तरह से रख लिया है सारा पैक करके। तो धीरे धीरे पैक करके मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी है, जो यूज़ नहीं हो रहा है सामान उनको अब मैंने पैक कर दिया है, जो अभी यूज़ होगा उसको जाते ने के एक दो दिन पहले ही करूँगी। 1 तारीख तक मैं यहाँ से रूम शिफ्ट करने वाली हूँ, तो धीरे धीरे करके मुझे ये सब करना है। सामान डीक्लटर करने में, कपड़े डीक्लटर करने में मुझे इस तरह के सॉक्स मिल गए थे जो बिल्कुल बेस्ट हैं, पहने नहीं जाते हैं, एक किसी का ऐसे कई हो जाते हैं धीरे धीरे करके, पुराने थे जो, उनको थोड़ा सा मैंने गीला किया और हाथों में पहना, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें लगाया, और इससे मैं क्या करने वाली हूँ वो आगे देख लीजिए। इनको लगा कर जो हमारे प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े पत्तियाँ होती हैं जिनकी वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, डस्ट आ जाती है और उनकी शाइनिंग बिल्कुल चली जाती है, इसीलिए मैंने इस पर ऑयल लगाया था। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल वगैरह हो थोड़े से ड्रॉप्स डाल दीजिए जिससे पत्तों में शाइनिंग आ जाए। सॉक्स में पानी इसीलिए लगाया ताकि सारी धूल है ना जो वो सॉक्स में चली जाए और हमारे जो पेड़ पौधे हैं पत्तियाँ हैं वो चमकने लग जाएँ। तो सारे पौधों को मैं अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पर हर 2-3 दिन में मुझे क्लीनिंग करनी
पड़ती है, डस्ट आ जाती है। सभी पे पॉसिबल नहीं है कि डेली पानी डाल सकूं मैं, और अभी तो सर्दियां हैं तो ख़राब भी हो जाएंगे। तो मैं ना 3-4-5 दिन में ऐसे सॉक्स पहन के और सारे ही साफ कर लेती हूँ। अगर आपके पास सॉक्स नहीं है तो आप यहाँ पर ग्लव्स का यूज़ करिए, और जो बेस्ट ग्लव्स पड़े हैं ना उनका भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप देखेंगे अच्छे से क्लीन हो रही हैं। Got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction, only one way to describe it. सारा सामान ऑर्गेनाइज करके रखने से और एक ही जगह रखने से फ़ायदा ये होता है, जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है एक जगह खड़े हो और सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ फालतू लेसेस पड़ी थी तो उनको मैंने लिया है और छोटे छोटे पार्ट में 2 कट कर लिए हैं। उसके बाद जो भी आपके पास धागा वगैरह हो उनसे इनको बांध लीजिए, कोई भी चिपकाने की या सिलने की ज़रूरत नहीं है। होल्स होते हैं किसी किसी में तो उनमें इस तरह से बांध लीजिए। और ये बहुत क्यूट से कर्टन होल्डर बन जाते हैं, और है ना कोई भी लेसेस हो आप मैचिंग की भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह से, मतलब कोई भी जो आपके पास पड़ी हो। और बहुत प्यारे से लगते हैं ये कर्टन होल्डर, बस थोड़ा सा मैचिंग का ख्याल रखें या फिर लेस है ना वो थोड़ी सुंदर होनी चाहिए, तो ये बहुत प्यारे से लगने लग जाते हैं। ग्लू गन भी काफ़ी यूज़ होती है, अगर हम अपने कुछ भी चीज़ें चिपकानी हो तो बहुत अच्छी होती है। बट इसके अलावा अगर आपको कोई फ्लावर वगैरह बनानी हो, लीव्स वगैरह बनानी हो तो भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने छोटे छोटे से स्टिक्स लिए हैं और थोड़े थोड़े से ग्लू गन से फ्लावर बना रही हूँ। बस सिंपल कुछ नहीं करना है, कोई मिरर लेना है या फिर कोई ऐसी चीज़ लेनी है जिससे ये ईजली निकल आए। ज़मीन पर भी आप कर सकते हैं, मिरर पर क्या होता है और बहुत ईजली ये निकल जाते हैं सूखने के बाद, 5 मिनट लगते हैं और बहुत जल्दी ग्लू गन ड्राई भी हो जाती है। तो मैंने 4 से 5 फ्लावर इसमें बनाए हुए हैं, ट्राई कर रही थी फ़िलहाल, पहले मैंने ये ट्राई नहीं किया है बट अभी ट्राई कर रही थी तो थोड़ी सी फिनिशिंग नहीं आई है बट बने क्यूट हैं, क्योंकि इसमें धागे निकलते हैं ना तो वो धागे थोड़ा सा क्लटर कर देते हैं वहाँ पर। और ये सूखने के बाद स्टिक्स में फ्लावर आ गए हैं और अब मैं करूँगी इसमें कलर, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर कर दिए हैं मैंने और बहुत क्यूट लग रहे हैं। इनको हम किसी भी फ्लावर वाश में लगा कर रख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए फिर आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।